तो नमस्कार दोस्तों, तो आज के मुख्य समाचार हैं कि लोगों का क्रिएटर स्टूडियो पर बस नहीं चल रहा, सॉरी मतलब क्रिएटर स्टूडियो में लोगों की वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। तो देखो, इसका एक मुख्य कारण है कि फेसबुक का कोई धनी डोमी नहीं है। तो देखो, अभी ये जो भैया कदीला खाते टाइम एक मस्त सी लाइन बोल के गए कि फेसबुक का कोई धनी धोबी नहीं है। अच्छा, तो वो बात बिल्कुल सच है, क्योंकि फेसबुक का कोई धनी धोबी नहीं है। कोई देखने वाला नहीं कि फेसबुक में क्या वर्क्स आ रहे हैं, क्रिएटर स्टूडियो में क्या वर्क्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। मतलब ऑडियंस को जो देखने वाला जो यूज करते हैं क्रिएटर स्टूडियो को, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही, तो उनका सॉल्यूशन लाए। ठीक है, तो उस तरीके से इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बस अपने मस्ती में रहते हैं कि चलो कोई नहीं, ऑडियंस तो चूतिया है ही, हम क्यों चूतिया बने। भाई साहब, ये जितने लोग मार्क जुकरबर्ग की मतलब मार्क जुकरबर्ग के साथ रहते हैं ना, वो सब बौखला जाते हैं। औकात में रहो। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम आपकी यही समस्या का सॉल्यूशन लेके आए। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? सिर्फ दो लवंग ले लीजिए और घर बैठे इस वसीकरण टोटका को कर दीजिएगा। तो इस समस्या का सॉल्यूशन जानने के लिए इन भैया की पूरी वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं हूं कटप्पा और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुमित। पहले बाल खड़े नहीं थे मेरे, मैं साइड की मांग में रहता था, छाती पर थी पैंट, तेल कानों से बहता था, ना स्पोर्ट्स में मैं आगे था। तो सरकार की कृपा से हम आज के मोबाइल स्क्रीन पर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपको चीज दिखाना चाहूंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ क्रिएटर स्टूडियो से। देखो, क्रिएटर स्टूडियो में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन कैसी वीडियोस पे प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपली हमने यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो ओपन कर लिया, ठीक है। अगर उसके बाद आपको ऊपर कच्ची पेंसिल का ऑप्शन मिल रहा है, सॉरी पेंसिल का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर इसके बाद देखो लास्ट में ड्राफ्ट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे जो वीडियो आप ड्राफ्ट करके अपलोड करोगे वो ड्राफ्ट में ही पड़ी रहती है। यहाँ पे देखो, मैं पब्लिश कर रहा हूँ, पब्लिश करूंगा, लेकिन वो वीडियो जो ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, ऊपर वाली वीडियो देख सकते हो, और तीन वीडियो है टोटल। तो मैंने यहाँ पे पब्लिक की, लेकिन जो वीडियो मैंने अपलोड की है ड्राफ्ट में पड़ी है, ऐप से अपलोड की है, लेकिन वो पब्लिक नहीं होती है, बिकॉज इन्हें शर्म लगती है पब्लिक होने में। अब ऐसा भी नहीं है कि क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम हो, देख सकते हो। मैं यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो सर्च करूंगा प्ले स्टोर पे, अगेन उसके बाद यहाँ पर ये अपडेट भी है। ऐसा नहीं है कि अपडेट वगैरह मांग रहा हूं मैं, तो वीडियो के वो जो भैया कनीला खा रहे थे ना, उन्होंने बोला था कि इस एप्स के जो ऑनर वगैरह है वो लापरवाह है। ये भगवान क्या जुलुम है। यहाँ पर हम करते हैं, देख सकते हो, इस एप्लीकेशन में वापस आके वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, एक फोल्डर है जहाँ पर मैंने 6 मिनट का एक ब्लॉग बना रखा है, ठीक है, काइंड मास्टर मैंने एडिट किया। तो यहाँ पर देख सकते हो 6 मिनट का जो ब्लॉग है वो यहाँ पे कोई 6 मिनट का ब्लॉग है ही नहीं, टोटल 5 क्लिप दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, गैलरी में मैं आता हूँ, तो यहाँ पे देखो, ये देखो काइंड मास्टर फोल्डर, एंड यहाँ पे 6 मिनट 43 सेकंड का मेरा ब्लॉग है जिसे मुझे अपलोड करना है। लेकिन नहीं, मार्क जुकर भैया ने तो आज सस्ते नशे कर लिए, सैनिटाइजर के नशे कर लिए। सच बताऊ ना, तो मार्क जुकरबर्ग भैया है, वो मार्क जुकरबर्ग की जो टीम है वो यही सोचते हैं कि भगवान ने दारू बनाई, शराब बनाया, गांजा बनाया, अगर हम नहीं पिएंगे तो ऊपर जब जाएंगे तो भगवान पूछेगा कि हमने दारू बनाया, गांजा बनाया, आपने पिया नहीं, तो जिंदगी में किया क्या धरती पे जाके। तो हम फिर से अपना रोना धोना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 15 सेकंड की वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 15 सेकंड की वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि इतना ही हो सकता है, यहाँ पे इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आप 15 सेकंड की अपलोड करोगे, ये अपलोड सक्सेसफुली हो भी जाएगी, ठीक है, आप थंबनेल वगैरह लगा लेना। लेकिन अगर आपको लॉन्ग वीडियो अपलोड करनी है बिल्कुल मोदी जी की तरह, देखो, अगर आपको लॉन्ग वीडियो अपलोड करें तो आप यहाँ से शॉर्ट तो अपलोड कर सकते हो, 15 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड, ठीक है। लेकिन वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम देती है, अगर ड्राफ्ट करके आपने अपलोड की तो वो ड्राफ्ट में ही पड़ी रहती है। तो अब मैं बताता हूँ डायरेक्ट लॉन्ग वीडियो कैसे अपलोड करें। तो उसके लिए हम फिर से भगवान की कृपा से आज के मोबाइल स्क्रीन पर, एंड अगेन उसके बाद आपको अपना जो गूगल क्रोम एप्लीकेशन उसे ओपन कर लेना है, जिस पर्पज से आप डेली ओपन करते हो। यहाँ पर आपको गूगल क्रोम ओपन करना है एंड क्रिएटर स्टूडियो सर्च करना है, ठीक है। जैसे आप क्रिएटर स्टूडियो सर्च करोगे तो कुछ वेबसाइट मुंह उठा के आ जाएंगे, भैया आप हम पे क्लिक कर लो। तो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ओनली क्रिएटर स्टूडियो का, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप दूसरे वाले इंटरफेस पे पहुंच जाओगे। अगर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट पोस्ट का, ठीक है, आपको सिंपली उसी पे क्लिक करना है, कहीं भी आपको भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। सिंपली आपको क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना है। अगर उसके बाद जो इंटरफेस आएगा वो आपकी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा भयानक, सॉरी
टोपा हो क्या यार बिल्कुल एकदम। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है वीडियो का, ठीक है आप उस पर क्लिक करें एंड अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप का ऑप्शन मिल रहा है, डेस्कटॉप फलाना ढिमकाना जो भी है, ठीक है तो उसपे मैं क्लिक करूंगा। आगे उसके बाद आपको ब्राउजर पे क्लिक करना एंड जो भी आपका वीडियो जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जैसे मुझे 6 मिनट 43 सेकंड समथिंग जो भी ब्लॉग था उसे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो पे क्लिक करूंगा, काइन मास्टर फोल्डर को मैं टॉर्च लेके ढूंढूंगा, ठीक है। तो ये मिल गया काइन मास्टर का फोल्डर एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूंगा तो ये 2.81 MB का ब्लॉग वही वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 6 मिनट तो यहाँ पे मिनट के हिसाब से नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो हम सिंपली भगवान की कृपा से इसी को सिलेक्ट करते हैं और इसी को अपलोड करते हैं। देखो क्रिएटर स्टूडियो जो एप्लीकेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो मार्क जुकरबर्ग की पैदाइश है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो गूगल क्रोम है वहां से आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस चलाने में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीजें ऑप्शन आ रहे हैं, देखो मैंने अपलोड किया एंड नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एड ए टाइटल योर वीडियोस एंड डिस्क्रिप्शन यूट्यूब की तरह आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, और थंबनेल भी लगा सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको जो टाइटल डालना है जो भी आपका टाइटल है वो डाल लेना। तो यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया अपना टाइटल यूट्यूब के यूट्यूब पे जो डाला वही टाइटल मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अब यही टाइटल आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, जितना आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है आप अपनी रामायण इसमें लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं टाइटल को पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो अपलोड इमेज, यहाँ पे ये मतलब अपलोड इमेज का मतलब है थंबनेल आप लगा सकते हो। मैं ब्राउजर पे क्लिक करूंगा अपलोड इमेज के बाद एंड उसके बाद जो भी मेरे को थंबनेल चूज करना है वो मैं थंबनेल यहाँ से चूज कर लेता हूँ। पिक्चर्स में जाता हूँ एंड उसके बाद थोड़ा मेरा नीचे है थंबनेल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थंबनेल को चूज कर लिया एंड उसे लगा दिया, ठीक है। एंड उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आपको नेक्स्ट कर देना होगा। जो भी सेटिंग आप करना चाहो वो यहाँ पे कर सकते हो, लाइक जैसे हम यूट्यूब पे करते हैं तो यहाँ पर देखो अपलोड हो रही है वीडियो, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से अपलोड हो रही है, 7% वीडियो अपलोड हो चुकी है। लेकिन वीडियो 3 GB का है तो अब परसेंट भी स्लोली स्लोली ऐसे बढ़ेंगे जैसे उन्होंने मेहंदी रखी हो, ठीक है। पूछा किसी ने यहाँ पे देख सकते हो 7 था अभी 8-9% हो चुका है। सिंपली हम नीचे कर देते हैं नेक्स्ट पे क्लिक, अपलोड होता रहेगा, ठीक है। जब भी हो जाएगा तब देख लेना। यहाँ पर मैं करूंगा नेक्स्ट पे क्लिक अगेन, उसके बाद यहाँ पर तो ऊपर कुछ सेटिंग्स मिल रही है, आप चाहो तो उन्हें चेंज कर लेना अपने हिसाब से। बट हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए क्लिक करते हैं फिर से नेक्स्ट पे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम आ जाएंगे इस वाले इंटरफेस पे। अगेन यहाँ पर आपको देख सकते हो एड टू प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, तो हम सिंपली एड टू प्ले लिस्ट ही करेंगे और यहाँ पे कोई सेटिंग चेंज नहीं करेंगे, आप करो तो कर लेना। यहाँ पर मेरा जैसे ब्लॉग है तो मैं ब्लॉग वाली प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। एंड भी बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है क्योंकि मैं पबजी की भी वीडियो अपलोड करता था। तो यहाँ पर आपको ऊपर भी ऑप्शन मिल रहा है शेयर करना चाहते हो तुरंत या फिर ड्राफ्ट में डालना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। एंड नीचे आपको पब्लिक एंड प्राइवेट का ऑप्शन भी मिल रहा है इसके बगल में नेक्स्ट के, ठीक है। तो आप वहां से पब्लिक एंड प्राइवेट कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने कर दिया नेक्स्ट, तो ये वीडियो यहाँ से बड़ी आसानी से अपलोड हो जाएगा। तो बोलो जय माता दी एंड आप गूगल क्रोम से वीडियो को अपलोड करें, पूरा अपलोड हो जाए तभी हमें गालियां दें, उससे पहले आप गालियां ना बकें, हमें पता है आप पहले करते हो नहीं और वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमें गालियां बकना स्टार्ट कर देते हो। गाली बकेंगे।